ओम साई राम। आज के संदेश में बाबा अपने सभी भक्तों से कह रहे हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। साईं बाबा अपने आज के संदेश में अपने सभी बच्चों से कह रहे हैं, मेरे बच्चों, परिस्थिति को बदलना इतना आसान नहीं होता है। परिस्थिति समय के अनुसार ही बदलती है, इनको कभी नहीं बदल सकते हो तुम। परंतु परिस्थिति को नहीं जिस प्रकार बदल सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने मन के भाव को बदल सकते हो। इंसान परिस्थिति पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता है, परंतु वह अपने मन पर, अपने मन के विचारों पर, अपने मन की गति पर नियंत्रण अवश्य ही कर सकता है। और मन में बदलाव आने पर ही परिस्थिति खुद पे खुद बदल जाती है। जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है। यहाँ मृत्यु लोक में भी और ब्रह्मांड में भी वो मेरे पास भी श्रेष्ठ ही कहलाता है। और उसके मन को फिर मैं कुछ समय बाद अपने हाथों से चलाने लग जाता हूँ। ऐसा मन श्रेष्ठ होता है और ऐसे मन को मैं एक श्रेष्ठ शरीर ही देता हूँ। एक नसीब वाले, एक कर्म करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को ही ऐसे मन की प्राप्ति होती है फिर, जो अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है। मेरे बच्चों, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम थोड़ा थोड़ा अपने आप में हर रोज़ बदलाव लेके आओ। अपने मन पर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करो। एक साथ मन पर नियंत्रण नहीं हो सकता है मेरे बच्चों, परंतु धीरे 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 मन पर अगर तुम नियंत्रण करना चाहोगे तो अवश्य ही होगा, और एक दिन तुम्हें सफलता भी प्राप्त होगी। जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वो अपने जीवन में सुख और सुखद जिंदगी जीने लग जाता है। और ऐसा मन अपने इष्ट देव के, अपने कुल देव के करीब होता है। और ऐसा ही मन मेरी भक्ति करने में सक्षम होता है। अन्यथा और मन भटकते रहते हैं, ना वो अच्छे का ज्ञान कर पाते हैं और ना ही बुरे से निकल पाते हैं वो, और वो जीवन भर भटकते ही रहते हैं। तुम अपने मन को नियंत्रण रखो, अपने मन को काबू में रखो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। और जिस इंसान का मन अच्छे बुरे का ज्ञान करने में सक्षम हो जाता है, वो इंसान का मन जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मेरे बच्चों, ओम साईं राम सभी के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।